लड़की अभी मालती के साथ ही रहेंगी। बोलो मालती, थोड़ा उनके बारे में। घर नहीं जाती, यही रहेंगे। तो सब कुछ पता हुआ, हम तो उतना जानकारी ना हुआ। पूछो से लोग बहुत ही प्रकार की बातें करते हैं कि मतलब लड़की कहाँ से आई है, क्यों रहती है। इन दोनों को ना तो पटक पटक के रोड पे मारना चाहिए, इतना हरामी, इतने गिरे लोग हैं। आपने वीडियो देखा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मालती का ही चल रहा है मुद्दा, तो मालती भी सब अपना राय दे रहे हैं, तो मैं भी अपना राय लेके आई हूँ। और जो होता था, जो बोलता था कि आपने वीडियो में देखा होगा कि वो बोलते नजर आ रहे हैं मालती के साथ रहती है, मालती के साथ। और वीडियो में जब मालती से पूछा जाता है कि इसके बारे में कुछ बताओ, तो मालती साहब बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, कहती मुझे कुछ नहीं पता। और यहाँ तक उसको उसके चैनल के बारे में भी नहीं पता था कि चैनल उसका क्या है। बार बार वो बोलता है, पूरी वीडियो मैंने उसका पूरा वीडियो देखा, उसमें बार बार बोलते नजर आता है कि ये मालती के साथ रहते हैं, प्रूफ क्या करना चाहते हैं। और वीडियो में बहुत लोग कमेंट में भी बहुत टाइम हो रहे थे बहुत लोग कि ये राधिका और विष्णु का कुछ है, कुछ है। तो उन लोगों को अपना सिखाई दे रहा था, मेरे बारे में सब तरह तरह की बात करते। लगभग लड़की एक महीना आज से मालती को दूसरी देते हैं, अगर पति का भी ऐसा कर देगा तो वो भी तो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से ही करेगी। तो उसको लेके काफ़ी मार पीटता था विष्णु और मालती को, राधिका को लेके पीटता था, बहुत ज़्यादा मार पड़ता था। कहीं ना कहीं अनबन की स्टार्टिंग तो घर से ही हो गई थी। और विष्णु राज फिर नया ये प्लान किया, एक ड्राइवर के तौर पे अपने पास रखा एक काम करने के लिए, क्योंकि वो पहले से अच्छा खासा है। ये भी नहीं वो अर्जुन गरीब था या कुछ था, उसको एक समझ लीजिए ये गेम प्लान मर्डर मान सकते हैं कि गेमिंग के तौर पे रखता है अपने पास अर्जुन को, और अर्जुन के साथ उसको हर जगह आना जाना, रील बनाना स्टार्ट करवा देता है। और अर्जुन कोई और नहीं मिला, सोचो अर्जुन के साथ ही उसका शूटिंग करवाता है, तो कहीं ना कहीं उससे उस टाइम मिल के लगाव हो जाता है, तो उन लोग का चलने लगता है। और जब विष्णु को पता था कि उन लोग के बीच में कुछ चल रहा है, तो विष्णु उस टाइम पे क्यों नहीं रुका? विष्णु क्या इंतजार कर रहा था कि जब मुद्दा बड़ा हो जाएगा तब मैं इसको उछालूंगा और फिर मैं मालती को बदनाम करूँगा, फिर मैं इससे दोष लूँगा, फिर मैं शादी करूँगा। तो क्या वो पहले से ही सब प्लान करते था? अगर मालती को उठना चाहिए था, क्योंकि विष्णु बोलते नजर आए थे कि मुझे पहले से ही पता था मगर मैं बोला नहीं, क्योंकि मुझे था कि मैं इसके रंगे हाथ पर कॉल रिकॉर्ड करवा, मतलब उसको कितना पढ़ेगी बात करेगी रिकॉर्ड होगा, मालती को जितनी जानकारी थी तो सब इसका बात रिकॉर्ड हो रहा था, अर्जुन के साथ यही बात की थी। तो उसका स्टार्ट हो गया था, मतलब कि समझ लीजिए प्लान स्टार्टिंग हो गया था। और जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ये बोला कि अब तुम्हारी मैं अर्जुन से शादी करवा दूँ। मालती उस बात को लेके कोर्ट तक गई, पुलिस थाने तक गई, तो वहाँ पे समझौता करके वो लोग दो दिन में आ जाते हैं। फिर उसके बाद नया लफड़ा चालू की, जैसे ही समझौता करके लाते हैं तो समझौता मतलब क्या है, साथ में रहेंगे, समझौता मतलब विष्णु का अलग है इलाज। फिर रात भर में मालती का शादी करके मालती को निकालो। जब भी मालती उस टाइम भी घर से जाने को तैयार हुआ तो अर्जुन के साथ भेजा। अब अर्जुन के साथ हो गई या नहीं गई, अकेले ही वीडियो बना बना के डाल रही थी, बच्चे के साथ रो रो के, फिर भी उस नए इंसान को समझ नहीं आया कि अगर मैं इसका शादी करवाया हूँ तो अर्जुन के साथ ये क्यों नहीं गई, क्यों अकेले बच्चे के साथ? क्या उस टाइम वो बात करके फिर बच्चे के साथ नहीं रह सकता था? अगर उसको मालती को इतना ही रहता तो अर्जुन के साथ जाती, अगर मालती के साथ भी कहीं हुई तो अर्जुन से ज़्यादा फिर होता। तो उसके बाद भी अर्जुन के साथ नहीं हुई, जो भी होटल में थी उसकी माँ ने उसको कॉल करके बुलाया कि तुम मेरे साथ आती रहो, मगर वो बोली कि उनके माँ बाप को बोली कि मैं आप लोग से बोझ नहीं करना चाहती, क्योंकि उनके मम्मी पापा का स्थिति काफ़ी ठीक नहीं, गरीब परिवार से बढ़ जाता है। वो अपनी माँ बाप के पास जाती है, कुछ दिन रहती है, मगर वहाँ मीडिया वाले इतना उसको ज़्यादा तंग कर देते हैं, अपने वीडियो बताते हैं, मीडिया वाले मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं, इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं, उससे वो थक के अपनी बहन के घर जाते हैं। बहन घर जाते ही कुछ एक दो दिन बाद ही फोन करता कि चलो समझौता करके एक साथ फिर से रहते हैं। और सोचो दोस्तों, समझौता करके कोई ले जाएगा, और मालती का आप लोग जाके चैनल पे देखिए, वो 10 वीडियो डांस वीडियो, अगर उसको मेरे साथ कुछ ऐसा करना रहता तो डांस कर करके वीडियो बनाती। मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस की, वो कभी वीडियो नहीं बनाती, अगर उसको ऐसा कुछ करना रहता अपने चैनल पर लगभग 10 से 12 उसी दिन का रील डाली है डांस कर करके।
हम फिर वीडियो बनाती है अपना, फिर ससुराल जाती है अपना, एक वीडियो भी मैसेज के तौर पे देती है। उसको अंदेशा था कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। जाते ही 2 से 4 घंटे के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है और उसके बाद विष्णु के आँख से एक आंसू नहीं निकलता। आंसू क्या होता है, विष्णुराज वो जानता ही नहीं, निर्दयी इंसान। तो ये सब प्लानिंग मर्डर है। आप लोग किस में क्या राय जरूर बताइएगा। वो एक बार भी नहीं सोचा कि बच्चा है छोटा, उसके बारे में तो सोच लिया होता। चलिए दोस्तों, ये सब राधिका का देन है। और राधिका जब सही थी तो ये वीडियो क्यों नहीं लाई, वो क्यों आवाज़ नहीं उठाई, अरे बाबा मेरा नाम क्यों ले रहे हो, मैं जब ऐसी नहीं। मगर राधिका आज तक एक वीडियो अपना नहीं लाई, क्यों, राधिका है ही, वो क्यों लाएगी अपना। वो अपना बोल सकती थी, नहीं बाबा मेरा नाम मत लो, मैं नहीं हूँ। लेकिन राधिका ने एक बार नहीं बोला, शांति से अपना मजा ले रही थी कि हाँ मैं मजा लूँगी, मुझे मेरा नाम रोशन हो रहा है। और उसके साथ उसके बारे में आपको डिटेल में एक वीडियो बना के बताऊंगी, राधिका कहाँ से है, कौन है, उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन, पूरी जानकारी आप लोग को दूंगी। तो ये 3 ही लोग दोषी माने जाएंगे, एक तो अर्जुन है, एक तो विष्णुराज है, एक राधिका है। तीनों बराबर के दोषी हैं। अगर सजा मिलनी चाहिए तो तीनों को बराबर की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन का अधिकार था शादी किया तो साथ में लेके जाओ, ऐसे ही छोड़ दिया। कोई भी इंसान डिप्रेशन में आके परेशान होके अनाप शनाप बोले गए। तो आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधिका के ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो लेके आऊँगी, तब तक करिए आप लोग इंतज़ार। और आप लोग विष्णुराज के ऊपर एक एक वीडियो जरूर बनाइएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे आप लोग तो देखिए ऐसे ही समाज में मन बढ़ता रहेगा, सब लोग ऐसे ही गलत काम करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, बाय बाय।